दोस्तों मेरे पास में बार बार काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आते हैं, वह हमसे यही पूछते हैं कि सर हम अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में एटीएम कार्ड नहीं है, तो क्या हम अपना फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूर आप अपना फ़ोन पे यूपीआई बना सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के भी, क्योंकि एनपीसीआई ने सभी यूपीआई यूजरों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि आप अपने आधार कार्ड से अपना यूपीआई जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास में अपना एटीएम कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से भी अपना फ़ोन पे गूगल पे बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड से अपना फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर ले। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड से अपना फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे फोन पे, तो आपके सामने फोन पे नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है लेकिन यहाँ पर ये अपडेट मांग रहा है। अगर आपके फोन में भी ये पहले से इंस्टॉल है, आपके सामने इस तरीके से अपडेट का ऑप्शन आए, तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर लेंगे तो ये कुछ ही टाइम में अपडेट हो जाएगा और फिर यहाँ से ओपन करेंगे तो इसका होम पेज आपके सामने इस तरीके से शो होगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको यहाँ से अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा एक बैंक अकाउंट पहले से ही लिंक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक दूसरा बैंक अकाउंट और लिंक करना है जिसका एटीएम कार्ड बना हुआ नहीं है। तो हम आपको अपने आधार से ही अपना बैंक खाता लिंक करके अभी आपको लाइव दिखाएंगे। तो अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ से एड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑल बैंकों का नाम आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, आप यहाँ से अपनी बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सभी बैंकों का नाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम ढूंढने में समस्या है तो आप यहाँ पर अपनी बैंक का नाम टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ से अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा पंजाब बैंक है तो हम यहाँ से पंजाब बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके अकाउंट को फाइंड कर लेगा और आपका बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस भी नाम से आपका बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपका बैंक अकाउंट किस सिटी में है, उसके आईएफएससी कोड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमें इस बैंक अकाउंट को लिंक करना है तो यहाँ से सेट यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि आप सिर्फ अपने आधार नंबर से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसके नीचे डेबिट एटीएम कार्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हमारे पास में एटीएम कार्ड नहीं है तो हम अपने आधार से ही अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखेंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे अपना आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ आपको आधार के आगे के सिर्फ 6 डिजिट ही टाइप करना है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने आधार के आगे के 6 डिजिट टाइप करेंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो वाला मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो आप वेरीफाई के लिए उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। वैसे आपके फोन पे ओटीपी आते ही यहाँ पर ऑटो ही ओटीपी टाइप हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोन पर ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर ऑटो टाइप हो चुका है। अगर आपके डायरेक्ट ओटीपी यहाँ पर ऑटो नहीं लेता है तो आप यहाँ पर इंटर भी कर सकते हो। ओटीपी इंटर करते ही यहाँ से राइट करेंगे तो फिर से आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, तो ओटीपी भी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगे और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका फोन पे अकाउंट बन जाएगा। और अब सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये आपको यहाँ पर अपना एक पिन जनरेट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी 6 डिजिट का पिन इंटर करेंगे और फिर यहाँ से राइट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर कन्फर्म पिन डालने के लिए बोलेगा, तो आप कन्फर्म के लिए फिर से वही पिन यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर यहाँ से राइट करेंगे तो आपका यूपीआई पिन जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपका फोन पे बनकर पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। अब आप फोन पे की सभी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि आपको अपना बैंक अकाउंट का पैसा चेक करना हो तो आपको यहाँ पर चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना वो पिन डालेंगे, जो पिन आपने अभी बनाए थे उस पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ से राइट करेंगे तो ये यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का पैसा दिखा देगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी काफी सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि किसी को पैसा भेजना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, गैस बुक करना हो, बिजली का बिल भरना हो, काफी सारी सर्विसेज का फायदा आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बिना एटीएम के ओनली आधार कार्ड से अपना फोन पे अकाउंट बनाना सिखाया है।
तो आप इस तरीके से बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो वाला मोबाइल नंबर का सिम कार्ड आपके इसी फोन में होना चाहिए जिस फोन से आप अपना फोन पे अकाउंट बना रहे हैं, तभी आपका फोन पे अकाउंट बन पाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और आप चैनल पर पहली बार विजिट के हो तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में इस घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।